दोस्तों, अगर आपको आज के मैच में रविंद्र जडेजा का अर्धशतक पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, अभ्यास मैच में भारत को मिली शर्मनाक हार। यह रहे हार के तीन बड़े कारण। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंदन के स्टेडियम में खेले गए अभ्यास मैच में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 6 विकेट से हराया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 179 रन का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 37.1 ओवर में 180 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन ने 67 रन बनाए, जबकि टेलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रन की पारी खेली। वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अभ्यास मैच में मिली हार के कई बड़े कारण हैं, लेकिन आज हमको तीन सबसे बड़े कारण बताने जा रहे हैं। यह रहे भारत के तीन बड़े कारण। इस मैच में भारत की हार का एक बड़ा कारण है भारत की सरामे बल्लेबाजी रोहित और धवन। इस मैच में काफी खराब शुरुआत दिलाई, जिसके कारण भारत एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगर भारत को रोहित और धवन एक अच्छी शुरुआत देते तो भारत आज के मैच में जीत सकता था। 2, भारत की हार का दूसरा बड़ा कारण विराट कोहली की खराब बल्लेबाजी रही। इस मैच में कप्तान विराट कोहली 18 रन बनाकर बुरी तरीके से बोल्ड होकर पवेलियन लौट आए। अगर कोई एक बड़ा स्कोर खड़ा करता तो शायद आज भारत मैच जीत जाता। इस मैच में भारत को मिली हार का तीसरा बड़ा कारण है गेंदबाजी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को छोड़कर किसी ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी। भारत की कमजोर गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।